हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल एम एन एस प्रेप टुडे वी आर गोइंग टू कवर बुक्स एंड ऑथर्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडिया एंड सम एज वेल एज फॉरेनर्स आल्सो सो लेट्स गेट स्टार्ट फर्स्ट वी आर टेकिंग विद महात्मा गांधी जी एक बात और इस वीडियो में मैंने जितने भी लीडर्स हैं उनकी जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स है सबको कंपाइल करके लिखा है सो so, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ पहली बुक महात्मा गांधी के माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये बुक तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एंड सबको पता है इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है सेकेंड बुक है इनकी हिंद स्वराज की टू हेल्थ गोखले माई पॉलिटिकल गुरु इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स सो so, इसको याद करने की एक ट्रिक है गोखले माय पॉलिटिकल गुरु ये तो आपको सीधी याद हो जानी चाहिए बिकॉज जो गोखले थे ये पॉलिटिकल गुरु थे भी महात्मा गांधी के सो so, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है तो ये तो याद हो जाएगा बाकी तीन आप ऐसे याद कर सकते हो जब साउथ अफ्रीका गए थे गांधी जी तो उनको जब पता चला कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि अब मैं जाऊँगा और हिंदुस्तान को स्वराज दिलाऊँगा उसको फ्रीडम दिलाऊँगा और ये ऐसा भारत बनाऊँगा जो मेरे सपनों का भारत बनाऊँगा सो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत अमेरिका गए अफ्रीका गए हुए गांधी जी वापस भारत आए हिंदुस्तान को स्वराज दिलाने के लिए और उन्होंने अपने ड्रीम जैसा इंडिया बनाने के लिए वो वापस आए की टू हेल्थ सब जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हेल्थ को सपोर्ट किया है मतलब हेल्थ के बारे में सबसे ज़्यादा जिन्होंने बोला है वो गांधी जी थे तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं इजीली नेक्स्ट मूविंग ऑन टू जवाहरलाल नेहरू अगेन इनकी दो बुक्स हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जो थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने क्या किया इंडिया को डिस्कवर किया भाई पहले ब्रिटिशर्स राज करते थे तो इंडियंस को नहीं पता था लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने इंडिया को देखा यार कि इंडिया कैसा है उसके बाद में ये प्राइम मिनिस्टर थे तो जैसे नरेंद्र मोदी हमेशा कभी अमेरिका घूमने जाते हैं कभी कहीं किसी दौरे पे तो वैसे ही इन्होंने वर्ल्ड की हिस्ट्री उनकी भी क्लिम्स देखी क्लिप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी इन्होंने जाना और पहले इंडिया का डिस्कवरी की फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री को इन्होंने पढ़ा क्योंकि पीएम थे तो ये तो बाहर वगैरह आ जा सकते थे ना इसलिए आप ऐसे लर्न कर सकते हैं आई नो वेरी सीली बट मे बी हेल्प यू नेक्स्ट वी कम आउट टू सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस जो थे इनकी दो बुक्स हैं द इंडियन स्ट्रगल नाइनटीन ट्वेंटी टू नाइनटीन फोटी टू एंड एन इंडियन पिलग्रम आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने आ, ये एक्टिव पार्टिसिपेंट थे हमारी जो स्ट्रगल थी ब्रिटिशर्स से तो उस टाइम इन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज भी बनाई थी तो इन्होंने 1920 से लेकर 1942 टू के पीरियड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था तब और स्ट्रगल के साथ में ये प्लिग्रम भी थे तीर्थकारी भी थे तीर्थ पे भी मतलब तीर्थ पे आया जाया करते थे सुभाष चंद्र बोस सो आई थिंक इट मे हेल्प यू नेक्स्ट मूविंग आउट टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जस्ट अ मिनट नेक्स्ट मूविंग आउट टू बी आर अम्बेडकर सो so, बी आर अम्बेडकर की दो बुक्स हैं थोर्स ऑन पाकिस्तान द बुद्ध एंड हिज धाम ठीक है बी आर अम्बेडकर की दो बुक्स हैं थोर्स ऑन पाकिस्तान एंड बुद्ध एंड हिज धाम तो आ, जो बी आर अम्बेडकर थे उनकी दो बुक्स थी आई डोंट हैव एनी सच आइडिया फॉर दिस नेक्स्ट इज़ वी डी सावरकर वी डी की बुक सावरकर की बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन इस बुक को आप ऐसे याद रख सकते हैं वी डी सावरकर जो वी डी सावरकर थे इन्होंने सब कुछ कर लिया सब कर लिया वी डी सावरकर ने लेकिन ब्रिटिशर्स मान ही नहीं रहे थे भारत को छोड़ने की बात मान ही नहीं रहे थे इसलिए इन्होंने फिर इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की ना एटीन फिफ्टी सेवन में एटीन फिफ्टी सेवन का जो रिवोल्ट है वो इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वॉर माना जाता है इंडिपेंडेंस के लिए तो वी डी सावरकर से उस, आप इसको ऐसे इंटरलिंक कर सकते हैं सावरकर सब कर लिया वी डी सावरकर ने सब जितने भी हथकंडे थे सारे अपना लिए कि ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चले जाओ नहीं माने तो एंड में उन्होंने एटीन फिफ्टी सेवन का वॉर किया सो so, आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं नेक्स्ट मूविंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद की बुक है इंडिया डिवाइडेड सी आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जो राजेंद्र प्रसाद थे वो पहले प्रेजिडेंट थे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फर्स्ट उन्होंने तो क्या किया पहले इंडिया को देखा डिस्कवरी की इंडिया की उसके बाद में वो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री को देखने चलेगी और ये जो राजेंद्र प्रसाद थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो जो प्रेसिडेंट है वो मोस्टली ऐसे ही बाहर के दौरे कम करते हैं और मतलब खुद के देश पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो इन्होंने खुद की कंट्री को देखा कि हाँ इंडिया डिवाइडेड है कास्ट के बेसिस पे डिफरेंट रिलीजन्स आर देयर साउथ के अंदर अलग कल्चर्स हैं नॉर्थ में अलग कल्चर्स हैं तो ऐसे इन्होंने देखा कि जो इंडिया है वो डिवाइडेड है ठीक है तो इंडिया डिवाइडेड जो बुक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो कि अपने फर्स्ट प्रेजिडेंट थे नाउ मूविंग आउट टू सेवंथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो हमारे फ़र्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे आप इंडिपेंडेंस इंडिया के आप कैसे रख सकते हो कलम कलम से आप रिलेट uh, कर सकते हो कि ये एजुकेशन मिनिस्टर थे उसके बाद में इनकी दो बुक हैं इंडिया विंस फ्रीडम एंड गुब्बारे खैतर इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि आज़ाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज़ाद यानी फ्रीडम तो इंडिया विन्स फ्रीडम जब इन्होंने कलम से लिख डाला कि इंडिया को फ्रीडम मिल गई है आज़ादी मिल गई है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इंडिया विन्स फ्रीडम आजाद फ्रीडम आज़ाद फ्रीडम एंड गुबार ई खेत दिस इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट बट यू मी वेट दिस नेक्स्ट इज़ सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू जो थी वो नाइट एंगल ऑफ इंडिया है राइट right? नाइट एंगल ऑफ इंडिया थी सरोजनी नायडू इनकी बुक्स हैं गोल्डन थ्री सोल्ट द फीदर ऑफ़ द डॉन द स्केप्चर्ड फ्लूड सॉन्ग्स ऑफ इंडिया एंड ब्रोकन विंग्स आप इन सारी बुक्स को एक ही चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि जो सरोजनी नायडू थी वो नाइट एंगल ऑफ इंडिया थी और नाइट एंगल एक बर्ड है तो जो हमारी नाइट एंगल बर्ड है वो गोल्डन कलर की है उसकी फीदर्स हैं और उसकी जो विंग्स हैं उसके जो फीदर्स हैं वो टूट गए हैं उसके बाद में भी वो सॉन्ग गा रही है फ्लूट जैसी फ्लूट um, की जैसी वॉइस है वैसी उसकी वॉइस उस वॉइस में वो गाना गा का रही है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि गोल्डन कलर की जो नाइट थी उसकी फ़ीदर्स थे वो टूट गए लेकिन फिर भी वो गाने गा रही थी आप ऐसे याद रख सकते हैं तो गोल्डन थ्री सोल द फीदर ऑफ़ द डॉन द स्केप्चर्ड फ्रूट सॉन्ग्स ऑफ इंडिया एंड ब्रोकन विंग यू मे ईजिली रिलेट दें नेक्स्ट मूविंग ऑल टू नाइन्थ लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय जो थे इनकी दो बुक हैं अनहैप्पी इंडिया एंड यंग इंडिया इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं लाला हमारे यहाँ हमारी साइड में लाला छोटे बच्चे को बोलते हैं तो छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत ही जल्दी नाराज़ हो जाते हैं तो इसमें ऐसे याद रख सकते हैं कि लाला जो है वो अभी यंग हो गया है बड़ा हो गया है वो इसलिए वो अनहैप्पी नहीं रहता बात बात पे रोता नहीं है बात बात पे बिगड़ता नहीं है इसलिए आप लाला लाजपत राय की दो बुक से याद रख सकते हैं लाला अब यंग हो गया है और वो अब अनहैप्पी नहीं रहता ही इज़ हैप्पी एट हैप्पी एट एवरी टाइम नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक की भी दो बुक्स थी गीता रहस्य द आर्कटिक होम इन द वेद्स तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जो बाल गंगाधर तिलक तिलक के अंदर जो ब्राह्मण्स होते हैं मोस्टली वो तिलक लगाते हैं तो फिर ब्राह्मणस जहाँ आ जाते हैं तो आप गीता उपनिसर्स वेद्स ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं गीता रहस्य द आर्कटिक होम ऑफ द वेत वेद्स और गीता जो है वो ब्राह्मस यूज़ करते हैं और ब्राह्मण्स हमेशा टीका लगा के रखते हैं तो बाल गंगाधर तिलक तिलक लगाया तो तिलक से ब्राह्मण और ब्राह्मण से गीता याद आएगी आपको और वेद से याद आएंगे तो ये दोनों बुक हैं पाल गंगाधर तिलक की मैंने साथ में पिक्चर्स भी एड किए सो दैट यू मे मेमोराइज दिस नेक्स्ट मूविंग ओवर टू ए पी जे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है इनको याद करने का ईजी तरीका ये है ये सॉरी टेबल ट्वेंटी ट्वेंटी नहीं इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी ए ठीक है नेक्स्ट इज़ यू आर यूनिक टारगेट थ्री बिलियन इन स्पिरिट टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस इग्निटेड माइंड विंग्स ऑफ़ फायर गाइडिंग सोल्स गवर्नेंस फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिया इनविजिंग एंड एम्पावर नेशन ये सारी जो बुक्स हैं आप एक स्टोरी से लर्न कर सकते हैं ईजीली तो जो ए पी जे अब्दुल कलाम थी ये मिसाइल मैन थे तो विंग्स ऑफ फायर इसको थोड़ा सा उससे एड मत कर देना आप जो हमने सरोजिनी नायडू की पढ़े हैं कि नाइट एंकल से हमने सारी रिलेट की थी इसके अंदर फायर वर्ड आ रहा फायर मतलब कि जब हम मिसाइल को जब ये मिसाइल है तो हम इसको जब छोड़ते हैं तो नीचे आ आ फायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फायर निकलती है तो फायर विंग्स ऑफ फायर आप याद रख सकते हैं ए पी अब्दुल कलाम की थी कि उन्होंने रॉकेट छोड़ा तो नीचे फायर ही फायर हो गई तो विंग्स ऑफ फायर और ये इग्निटेड माइंस फिर आप इनकी जो पूरी स्टोरी वो ऐसे याद रख सकते हैं कि आ, इन्होंने सोचा इन्होंने टारगेट लिया कि मैं इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी तक तीन बिलियन लोगों को और उनकी आत्माओं को उनके माइंड को इग्नाइट करूँगा कि आप यूनिक हैं और आप जो है गवर्नेंस जो है इंडिया की ग्रोथ जो है उसको चेंज कर सकते हैं उसमें चेंज ला सकते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं कि इग्नेटेड uh, माइंड्स uh, जो ए पी जे अब्दुल कलाम हो उन्होंने टारगेट लिया कि मैं uh, तीन बिलियन लोगों को uh, की जो Minds को इग्नाइड करूँगा उनकी दिमाग पे जोर डालूँगा और उनकी उनकी सोल्स उनके आत्मा को गाइड करूँगा और ये uh, और बताऊँगा कि आप यूनिक हैं दैट यू आर यूनिक एंड ये टारगेट मैं 2020 तक कंप्लीट करूँगा उन्होंने ये टारगेट ले लिया था और इसमें मेरा जो जब उन्होंने ये काम किए तो उनकी द टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस तो बहुत से चैलेंजेस आए जब उन्होंने थ्री बिलियन का टारगेट लिया था तो उनकी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आए थे तो ये टर्निंग पॉइंट और जर्नी थ्रू चैलेंजेस आप मैंने कर सकते हैं नेक्स्ट गवर्नेंस फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड इन्वेजिंग एम्पावर नेशन ए पी जे अब्दुल कलाम जब तीन बिलियन लोगों को आ, टारगेट करके बोले थे कि मैं उनको बताऊँगा यूनिक है उनको बताऊँगा कि एम्पावर्ड नेशन जो है और जो अगर गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए ग्रोथ ऑफ इंडिया ग्रोथ जो है इंडिया की उसके लिए गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा सो so, अगर एक बार आप मेमराइज़ कर लेंगे तो आई थिंक इट विल बिकम ईजी फॉर यू दिस इज़ विंग्स ऑफ फायर एंड दिस इज़ यू आर यूनिक ठीक है नेक्स्ट मूविंग आउट टू श्री प्रणब मुखर्जी प्रणब मुखर्जी जो हमारे अगेन एक्स प्रेजिडेंट थे द ड्रामेटिक डेकेट द डेज ऑफ इंदिरा गांधी दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आई हैव नोट सच एनी ट्रिक फॉर दिस आपको खुद को याद करनी पड़ेगी ये बुक इंदिरा गांधी की एक बुक है कमेंट में दैट बुक इन द कमेंट बियॉन्ड सर्वाइवल एमरजिंग एंड डायमेंशन बियॉन्ड सर्वाइवल एमरजिंग डायमेंशन ऑफ़ इंडियन इकनॉमी सागा स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस चैलेंजेस बिफोर द नेशन इसको आप ऐसे मेमोराइज़ कर सकते हैं कि जब ये प्रेसिडेंट बने प्रणब मुखर्जी तो जब स्टार्टिंग में पहले प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने तो इंडिया डिवाइड कर दी इंडिया डिवाइडेड देखा और पहले प्राइम मिनिस्टर बने पहले उन्होंने डिस्कवरी की इंडिया की फिर वो तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे चले गए ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पे अब ये बीच में प्रणब मुखर्जी बने हैं तो अब इनके साथ में कई चैलेंजेस आ रहे हैं जो इंडिया की पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ हो रही है तो इंडियन इकनॉमी फिर इन इसको इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा कुछ सैक्रीफाइजेस भी नहीं करने पड़े इनके सामने बहुत से चैलेंजेस आए कि अब मैं प्रेसिडेंट हूँ पूरे इंडिया की जिम्मेदारी मुझ पर है सो so, इनके सामने चैलेंजेस आए इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा सैक्रीफाइस भी करना पड़ा इंडिया की इकनॉमी के बारे में इन्होंने जाना ठीक है तो ये इंडिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उन पर प्रणब मुखर्जी ने फोकस किया था आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वे प्रणव मुखर्जी बिकेम द प्रेसिडेंट दे, दे आ, उनके सामने बहुत चैलेंजेस आए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा एंड सेक्रीफाइजेस भी करने पड़े थे सो यू कैन मेमोराइज द बुक्स बियॉन्ड सर्वाइवल एमरजिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकनॉमी साग ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइज चैलेंजेस बिफोर द नेशन ठीक है ना वन बुक आई वॉन्ट टू टेल यू हियर इज द कोलिशन ईयर्स बुक है द कोलिशन ईयर्स ये जो बुक है ये आ, भी इनके द्वारा लिखी गई ठीक है द कॉलेशन ईयर्स प्रणब मुखर्जी नेक्स्ट मूविंग टू दादा भाई नारोजी दादा भाई नारोजी तो जो वो थे वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे ग्रैंड तो आप इजीली इसको लर्न भी कर सकते हैं ग्रैंड मींस हमारे जो ग्रैंड पा ग्रैंड माँ दादा दादी को बोलते हैं तो ये दादा थे तो दादा भाई नारोजी उनके बाद में पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक थी जो दादा भाई नारोजी थी ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी द पार्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट की ये इकलौते इकलौते नहीं पहले मेम्बर थे तो इनको सब कुछ पता था कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ में क्या कर रहे हैं और ये दादा मतलब बहुत पुराने भी थे तो इन्हें पता था कि भारत में पोवर्टी ज़्यादा है इंडिया के अंदर ऑल दस थिंग्स तो ये तो पक्का कि इन बुक की इनकी बुक में ब्रिटिश नाम आएगा सो पोवर्टी एंड अनब्रिटिश स्टोरी इन इंडिया इससे दिखता है कि पोवर्टी मतलब बहुत पुरानी बातें बताई जा रही हैं इंडिया के बारे में तो आप दादा भाई नारोजी से इसको रिलेट कर सकते हैं एक बुक है दादा भाई दादा भाई नारोजी के बारे में लिखी गई है नारोजी जी पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इस बुक को किसने लिखा है यू हैव टू कमेंट मिन द कमेंट बुक्स डेट मी टेल यू Naroji Poum of Indian nationalism. You have to comment this way in the comment box. Next, we are moving to Dr. Radha Next we are moving to Dr. Radha इनकी दो बुक्स हैं इंडियन फिलासफ़ी हिंदी व्यू ऑफ लाइफ तो राधा और कृष्ण की जो केमिस्ट्री थी इंडिया के अंदर इंडियन फिलासफ़ी के अंदर जो राधा कृष्ण की केमिस्ट्री थी बहुत ही सुपर थी एंड उसके अंदर हिंदूज़ के बारे में हिंदू केमिस्ट्री थी वो मतलब मोस्टली हिंदूज़ कैसे रहते हैं हिंदूज़ की लाइफ uh, कैसी है उनका लाइफ कैसा है ये हमें राधा कृष्ण की इंडियन फ़िलासफ़ी से पता चलता है वी गोट अबाउट दिस इंडियन फिलॉसफी राधा कृष्ण की जो फिलॉसफी है इंडियन फिलॉसफी वो हमें हिंदू व्यू दिखाती है कि हिंदूज की व्यूज़ क्या हैं हिंदूज की लाइफ कैसी है ठीक है तो आप इसको ऐसा थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं नेक्स्ट इज एल के अडवाणी एल के अडवाणी की बुक है माई कंट्री माई लाइफ एक बुक है स्वामी रामदेव की माई लाइफ माई मिशन ये दोनों बुक सेम सी हैं तो so, इनको आप कैसे याद रख सकते हैं कि अडवाणी जी साहब जो थे वो अड़ गए उन्होंने उनकी वाणी अपनी वाणी पे अड़ गए वो कि मेरी कंट्री को पहले मैं आज़ाद कराऊंगा फिर मेरी लाइफ है फर्स्ट इज़ माय कंट्री माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माय कंट्री देन इज़ माय लाइफ तो एल के अडवाणी जी अड़ गए कि पहले मेरी कंट्री उसके बाद में मेरी लाइफ लेकिन जो स्वामी विवेकानंद थे सॉरी स्वामी रामदेव जो थे वो बाद में थे तो अब कंट्री को तो आज़ादी मिली थी तो उन्होंने बोला मेरी लाइफ मेरे मिशन है स्वामी रामदेव ने बोला कि अब कंट्री तो आज़ाद हो गई तो सिर्फ अब मैं फोकस करूँगा माई लाइफ एंड देन माई ऑन माई मिशंस ठीक है तो आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं मे बी दिस विल हेल्पफुल टू यू नेक्स्ट इज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह अब जो मनमोहन सिंह थे अगेन एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्होंने क्या किया मन बना लिया मन बना लिया इन्होंने कि मैं अब चेंज करूँगा इंडिया को इंडिया के अंदर जितने भी कास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है जितने भी सब कुछ हैं उनको मैं अब चेंज करने वाला हूँ ठीक है तो मनमोहन सिंह से याद रख सकते हैं चेंजिंग मैन चेंजिंग इंडिया चें मन बना लिया इन्होंने कि आई चेंज इंडिया ना नेक्स्ट इज़ नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी की बुक है एग्जाम uh, वॉरियर ये बुक तो आई थिंक सबको याद होगी यर नरेंद्र मोदी एग्जाम वॉरियर्स सी नरेंद्र मोदी जी सो नेक्स्ट इज़ ममता बनर्जी अनफॉर्गेटेबल माई अनफॉर्गेटेबल मेमोरीज़ इसको आप कैसे याद रख सकते हैं जो ममता है ममता बनर्जी में माँ आता है और माँ के साथ में अपनी बहुत सी मेमरीज़ होती हैं और वो अनफॉर्गेटेबल होते हैं हम माँ के साथ में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एंड उनके साथ में जो हमारी मेमरीज़ हैं वो अनफॉर्गेटेबल है वी कांट फॉरवर्ड दैम सो आप ममता बनर्जी से याद रख सकते हैं माई अनफॉर्गेटेबल मेमरीज़ ठीक है ममता बनर्जी से आप याद रख सकते हैं माई अनफॉर्गेटेबल मेमरीज़ इजीली ममता माँ अब एक बुक है जो ममता बनर्जी पे लिखी गई है दैट बुक इज ममता बियड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दिस इज द बुक यू हैव टू कमेंट विन द कमेंट बॉक्स कि ये बुक किसने लिखी है वो इज द ऑथर ऑफ द बुक ममता बियउ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ओके सो मूविंग आउट टू द नेक्स्ट इज राजनाथ सिंह राजनाथ सिंह की बुक है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग इसके लिए आई डोंट हैव ट्रिक बट फिर भी कनेक्टिंग ये रोड मिनिस्टर रह चुके हैं एंड आई थिंक स्टिल तो ये कनेक्ट करते हैं रोड्स को कनेक्ट करते हैं तो आप आई थिंक याद कर लोगे राजनाथ सिंह उसके बाद में आप इसको एक ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो uh, हेड्स वेरी सिली अगेन बट यू मे लॉन दिस जो नाथ है नाथ मतलब जो हमारे घर में भैंस गाय वगैरह होती है उनकी नाक में हम डाल के रखते हैं तो मतलब अपने हाथ से पकड़ के फिर हम उनको चलाते हैं ताकि वो ज़्यादा ऑफेंसिव ना बने तो आप कनेक्ट करके रखते हैं उनकी नाक से एक रस्सी को ठीक है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं सिली नेक्स्ट वन इज अमित शाह अमित शाह की बुक है कर्मयोधा ग्रंथ कर्म योधा ग्रंथ बेसिकली दिस बुक इज रिटन ऑन नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी पे ये बुक लिखी गई कर्म योदा ग्रंथ अमित शाह ने लिखी है वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी कॉमन वी वी गिरी जॉब्स फॉर आर मिलियंस अब वी वी गिरी जो है इनकी बुक है जॉब्स फॉर आर मिलियन जॉब्स फॉर आर मिलियन एंड दिस बुक इज़ इम्पोर्टेंट टू आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं वी वी मीन्स हम एंड आर मीन्स हमारे सो so, जॉब्स फॉर आर मिलियंस वी वी गिरी ने बोला कि uh, वी मतलब हम एंड आर मतलब हम तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं आई थिंक मे बी इट हेल्प यू नेक्स्ट वन हियर आर सम फॉरन लीडर्स नैनसल मंडीला नैनसल मंडीला की बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नैन्सल मंडीला की बुक है इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जो नैनस मंडीला थी वॉज द फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन प्रेजिडेंट ओके ये अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे तो अफ्रीका के अंदर ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट था तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उन्हें बहुत लंबी चल उन्हें बहुत लंबा चलना पड़ा फ्रीडम के लिए इतनी आसानी से उन्हें फ्रीडम नहीं मिली थी इतनी आसानी से उन्हें किसी ने प्रेसिडेंट बनाया नहीं था उन्हें बहुत लंबा चलना पड़ा था फॉर द फ्रीडम फ्रीडम को पाने के लिए दे हैव टू वॉक लॉन्ग ओके नेक्स्ट वन इज़ बराक ओबामा बराक ओबामा की दो बुक हैं द ओडेसिटी ऑफ होप ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर अगेन दोनों बुक्स बहुत ही है इंपॉर्टेंट हैं बराक ओबामा की एंड वन थिंग आई मस्ट आई आई वॉन्ट टू टेल यू इन दीडियो कि इसमें जितनी बुक्स मैंने ली हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुई हैं सो दीज आर ऑल आर इम्पोर्टेंट डोंट स्किप एनी ऑफ दिस ब्राक ओबामा की जो दो बुक हैं दिटी ऑफ होप एंड ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर तो इसको आप ऐसे बता सकते हैं कि जो ब्राक ओबामा था उसने कहा कि मेरे जो फ़ादर थे बराक ओबाना ने ओबामा ने कहा कि मेरे फादर का ये ड्रीम था और उन्हें होप भी थी कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट ज़रूर बनूँगा आई विल बी द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे सो माई फादर बराक ओबामा बोल रहे हैं कि मेरे फादर जो थे उनका एक ड्रीम था और उन्हें होप भी थी कि दैट आई विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे तो आई थिंक आप ऐसे ज़्यादा रख सकते हैं इसको नेक्स्ट वन इज़ एडोल्फ हिटलर एडोल्फ हिटलर जो हैं जस्ट मिनट अडल्फ हिटलर जो हैं इनकी है मेन कैम्प आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हिटलर था ही वॉज अ वेरी क्रूअल लीडर तो हर चीज़ में बस अपने चला था मेरी चलेगी बस मैं ही हूँ सब कुछ मैं जो चाहूँगा वो ही होगा तो uh, मेर, आप ऐसे मैं और हिटलर याद रख सकते हैं आप आई थिंक इट मे हेल्प यू नेक्स्ट वन इज़ स्वामी रामदेव दिस दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माई लाइफ माई मिशन रामदेव पहले हमारे अडवाणी साहब थे एल के अडवाणी इनकी बुक थी माई कंट्री माई लाइफ राइट एंड इनकी बुक है माई लाइफ माई मिशन नेक्स्ट वन इज़ इंदिरा गांधी ओ ये तो मैंने मैंशन कर दिया स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था इंदिरा गांधी की दो बुक हैं एटर्नल इंडिया एंड माई ट्रुथ तो माई ट्रुथ एंड एटर्नल इंडिया आई डोंट हैव एनी एनी आई ट्रिक फॉर दिस फिर भी इंदिरा गांधी जो थी वो फर्स्ट पी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की तो उन्होंने एटर्नल इंडिया देखी ठीक है कि वाट एन एडर्नल इंडिया राइट तो ये बुक थी एडरनल इंडिया ये इसका मेन पेज है नेक्स्ट वन इज़ माइकल ओबामा एंड इनकी बुक है बिकमिंग एक याद रखना कि हमने पहले पढ़ी थी ब्राक ओबामा की बुक उसमें हमने दो बुक पढ़ी थी ड्रीम्स ऑफ माई फादर एंड दोडा सिटी ऑफ होप एंड नाउ माइकिल ओबामा है ये बराक ओबामा ने है माइकल ओबामा की बुक जो है वो बिकमिंग दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है सो रिमेंबर दिस बुक वन मोर बुक आई वॉन्ट टू टेल यू वॉर एंड पीस ये बुक किसने लिखी है यू हैव टू कमेंट मी द कमेंट बुक्स वॉर एंड पीस जो बुक है वो किसने लिखी है ओके okay? सो so, uh, हमने जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं नाउ एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं सो दैट यू मी रिवाइज जो ट्रिक्स हमने की हैं क्या आपको याद में है क्या देख लेते हैं एक बार उनको ठीक है तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ड्रामेटिक टैकेट द डेज ऑफ इंदिरा गांधी तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ इसको आप वीडियो को पोस्ट करके एंड फिर आंसर देने की कोशिश करना और फाइव में से मार्क्स बताना कितने आते हैं कमेंट बॉक्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह ममता ममता बनर्जी श्री प्रणब मुखर्जी एंड महात्मा गांधी इन चारों में से किसने लिखी है ड्रामेटिक डैकेट द डेज ऑफ इंदिरा गांधी सो ये बुक मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी एंड द बुक इज़ रिटन बाय श्री प्रणब मुखर्जी प्रणब मुखर्जी ने और कौन कौन सी बुक्स लिखी थी इफ यू रिमेंबर स्ट्रगल क्या था उन्हें सेक्रीफाइस किया था चैलेंजेस आए थे एक इक, इंडियन इकनॉमी थी इतने वर्ष अगर आप की पॉइंट पकड़ लोगे तो फिर आप इट विल नॉट बी हार्ड फॉर यू तो साग ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस चैलेंजेज बिफोर द नेशन एंड देन बियड सर्वाइवल एमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकनॉमी महात्मा गांधी की जो बुक्स थी यहाँ पे कर लेते हैं अपन महात्मा गांधी की जो बुक्स थी एक तो थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वो तो बहुत कॉमन है देन हिंद स्वराज वो अफ्रीका से आए थे कि मैं हिंद को स्वराज लाऊँगा और मेरे ड्रीम्स का इंडिया बनाऊँगा तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और एक उन्होंने हेल्थ पे बहुत फोकस किया था तो की टू हेल्थ और गोखले उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे तो आप उसको ऐसे लर्न कर सकते हैं नाव ममता बैनर्जी की हमने पढ़ी थी कि ममता माँ और माँ की जो मेमोरीज होती हैं वो अनफॉर्गेटेबल होती हैं राइट right? तो ममता बैनर्जी से आप याद रख सकते हैं माई अनफॉर्गेटेबल मेमोरीज नाउ मनमोहन सिंह ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे इन्होंने मन बना लिया कि आई एम गोइंग टू चेंज दी इंडिया तो इन्होंने बुक लिखी थी चेंजिंग इंडिया राइट नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन हु रोट द बुक इंडिया विन्स फ्रीडम ये बुक किसने लिखी थी सुभाष चंद्र बोस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सरोजनी नायडू एंड एल के अडवाणी so, uh, सो uh, ये इंडिया मीन्स फ्रीडम लिखी थी मौलाना कलाम आज़ाद आज़ाद मीन्स फ्रीडम फ्रीडम चाहिए थी कलम ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर सरोजनी नायडू की बुक्स जो थी हमने देख ली थी गोल्डन थ्री सोल जो हमारी नाइट एंगल थी वो गोल्डन थी उसकी ब्रोकन विंग्स थी एंड द ब्रोकन विंग्स सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड स्प्रिंग और उसके बाद में उसके फीदर थे उसके द फीदर ऑफ़ द डॉन और एक बुक थी फ्लूट वाली दैप्टर्ड फ्लूट सॉन्ग्स ऑफ इंडिया वो गए एल के अडवाणी अडवाणी जी अड गए थे कि पहले मेरी कंट्री एंड देन माई लाइफ ओके और उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस की दो बुक्स थी एक तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था नाइनटीन ट्वेंटी से नाइनटीन फोर्टी टू के लिए तो इंडियन स्ट्रगल नाइनटीन टवेंटी टू और ये पिलग्रम थे तो एंड इंडियन पिलग्रम तीर्थ तीर्थ स्थानों में भी, भी ये बिलीव रखते थे तो इसका जो आंसर है दैट इज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेक्स्ट वन मोविंग टू थर्ड हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ओडेसिटी ऑफ होप नैंसल मंडीला वी वी गिरी ब्राक ओबामा अडोल्फ हिटलर सो द ओडेसिटी ऑफ होप किसके फादर को होप थी कि ब्राक uh, ओबाम किसके फादर को होप थी ब्राक ओबामा के फादर को कि ये विल बी द प्राइम प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका समडे देन वी वी गिरी वी मीन्स हम एंड द बुक वॉज इफ यू रिमेंबर द बुक वी वी गिरी की जो बुक थी डोंट यू रिमेंबर दैट बुक जॉब फॉर आर मिलियंस सो आर वी मीन्स आर वी मीन्स हम एंड आर मीन्स हम जॉब फॉर आर मिलियंस वीवी गिर रही थी अडोल्फ हिटलर ही वॉज वेरी क्रूअल हर चीज़ में मैं मैं करता था तो ही वॉज मैन कैंप नेक्स्ट वो नैंसल मंडीला नैनसल मंडीला को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था टू बिकेम प्रेजिडेंट ऑफ अफ्रीका सो अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम राइट आई थिंक यू गॉट दिस थिंग द ऑडर सिटी ऑफ वॉक एंड एक और बुक जो थी दिटी ऑफ दूसरी बुक दूसरी बुक जो थी उसका नाम क्या था एनिम यू हैव रिमेम्बर द बुक ने फ्रॉम माई फादर एक बुक ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग टू हुच चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू नरेंद्र मोदी एंड मनमोहन सिंह तो किसने लिखी थी ये बुक सुभाष चंद्र बोस की तो जो बुक्स थी हमने पढ़ ली पीछे भी रिवाइज की दो बुक थी द इंडियन पिलग्राम और एक स्ट्रगल नाइनटीन ट्वेंटी टू फोर्टी टू वाली जवाहरलाल नेहरू ही वॉज द फर्स्ट पी एम पी एम थे तो पहले इन्होंने इंडिया की डिस्कवरी की और उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री के ग्लेम्स के लिए चले गए तो ग्लेम्स ऑफ़ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू नरेंद्र मोदी की बुक दर इज़ एग्जाम वॉरियर एवरी वन नोज मनमोहन सिंह की बुक कौन थी चेंजिंग इंडिया इन्होंने मन बना लिया था कि अब चेंज करूँगा इंडिया को मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फिफ्थ वन हु रोड द बुक अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय वी डी सावरकर बाल गंगाधर तिलक और राजनाथ सिंह तो अनहैप्पी इंडिया लाला हमारे जो लाला छोटे बच्चे हैं वो आ, यंग हो गए हैं इसलिए वो अनहैप्पी नहीं रहते तो आ, लाला लाजपत राय की दो बुक्स हैं यंग इंडिया एंड अनहैप्पी नहीं रहते वो तो अनहैप्पी इंडिया वी डी सावरकर की भी बात कर लें वी डी सावरकर की बुक थी एनी वन है सब कर लिया उन्होंने वी डी सावरकर ने सब कर लिया लेकिन उसके बाद में भी नहीं माने तो उन्हें वॉर करना पड़ा एटीन फिफ्टी सेवन का तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन वी डी सावरकर सावरकर सब कर लिया लेकिन ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर जाने को मान मान ही नहीं रहे थे तो उन्होंने वॉर किया एटीन फिफ्टी सेवन का द रिवोल्टीन फिफ्टी सेवन तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडियन एटीन फिफ्टी सेवन वी डी सावरकर नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक तिलक से आपको याद होगा ब्राह्मि से याद हो गया वेद अनवेद और गीता तो गीता रहस्य इनकी बुक थी और दूसरी थी द आकटिक होम इन द वेद्स पूरा अगर पूरा नाम याद नहीं है बुक्स का इट्स तो ओके okay। आप कीवर्ड पकड़ लोगे तो इट्स मोर देन इनफ नेक्स्ट इज राजनाथ सिंह राजनाथ सिंह की तो हमने नाथ से कनेक्ट किया था तो कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग वाली जो बुक है वो राजनाथ सिंह की है ओके सो कमेंट में द कमेंट बॉक्स एट हाउ मच यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इट्स अ शॉर्ट क्वेस्ट फॉर यू जस्ट टू रिवाइज कि जो हमने सिली ट्रिक्स से, ट्रिक से पूरा चैप्टर कवर किया है ये आपको कितना हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा कमेंट में द कमेंट बॉक्स सो यस हियर वी आर थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो हियर वी आर एंडिंग एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल भी अपलोडेड सोन विच वी आई जिसमें जो जितने भी इम्पोर्टेंट अपने जो प्लेयर्स हैं उनसे उनकी जितनी भी बुक्स हैं करेंटली जो इश्यूड बुक्स हैं वो और जितनी भी हमारी ऑथर्स राइटर्स हैं उनकी बुक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होंगी सो थैंक्स थैंक यू सो मच होप यू लाइक द लेवल ऑफ वीडियो थैंक यू